आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 11:00 पीने पिलाने का शौक एक बड़ी चीज होती है साहब। इस फहरिस्त में शराब, चाय और कॉफी का नाम बेहद अदब से लिया जाता है। आज हमने कॉफी को चुना है। इसके दीवानों के दिन की शुरुआत एक कप कॉफी के बिना नहीं होती। कहते हैं इससे दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, शायद इसीलिए ऑफिस में इसकी मशीनें लगी होती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उन मशीनों पर 2-3 तरह के कॉफी के नाम लिखे होते हैं, मसलन एस्प्रेसो, लाते, कैपेचिनो। क्या अंतर होता है इन कॉफी के प्रकारों में? क्या भारत का भी कोई अपना तरीका है कॉफी बनाने का? और इसके इतिहास के बारे में बताएंगे आज के एपिसोड में। हेलो, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। बनाने के लिए तो बुरी कॉफी कैसे भी बनाई जा सकती है, लेकिन अच्छी कॉफी बनाने के लिए नियम है। कॉफी, दूध, पानी, चीनी की मात्रा में अदला बदली करने भर से भी कुछ का कुछ हो सकता है। एस्प्रेसो, मोका, कैपेचिनो, लाते, फिल्टर, ये सब एक फेमस कॉफी ड्रिंक्स है। इनके टेस्ट और बनाने के प्रोसेस में क्या अंतर होता है और किस मौके पर कौन सी कॉफी ड्रिंक पीनी बेहतर होती है, ये सब बताएंगे आपको कैफे हाइडआउट के फाउंडर और कॉफी एक्सपर्ट अंजेश शांडिल्य। कॉफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कॉफी के कई प्रकार होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉफी का जो एक कॉन्सेंट्रेटेड डिकॉक्शन निकाला जाता है, जो लिक्विड कॉफी होती है, जो कॉफी बीन से कॉफी का जो लिक्विड शॉट निकाला जाता है उसको डिकॉक्शन बोलते हैं। और वो कॉन्सेंट्रेट डिकॉक्शन कितना मिलाया जाता है मिल्क में, उसी के आधार पे इनके टाइप्स डिफाइन होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप होता है इसमें जो है वो होता है लाटे। तो लाटे में कॉफी का वो डिकॉक्शन जिसको कि एस्प्रेसो बोलते हैं वो, और उसके बाद उसमें मिल्क फोम, मिल्क को जब स्टीम से पास करते हैं तो एक झाग जैसा बनता है जिसको मिल्क फोम बोलते हैं, तो या फ्रॉथ बोलते हैं। तो लाटे जो है वो मिल्क, फ्रॉथ और कॉफी का मिक्सचर होता है। उसमें फ्रॉथ ज्यादा होता है और के बाद कॉफी होती है, मिल्क कम होता है। उसके बाद लाटे के बाद जो अगला कॉफी का टाइप होता है वो होता है कैपेचिनो। कैपेचिनो में थोड़ा फ्रॉथ, थोड़ा मिल्क और थोड़ा एस्प्रेसो, ये 3 चीज मिलाते हैं बराबर बराबर लगभग, तब जाकर के वो कैपेचिनो बनता है। उसी तरह से अमेरिकानो जो होता है वो अमेरिकानो एक ब्लैक कॉफी होता है, उसमें एस्प्रेसो में सिर्फ हॉट वाटर मिलाया जाता है। उसके अलावा जो मोका होता है उस मोका में मिल्क के साथ चॉकलेट मिलाया जाता है एस्प्रेसो में। और एक टाइप होता है जो फ्लैट व्हाइट बोलते हैं उसको, फ्लैट व्हाइट में सिर्फ प्योर मिल्क विदाउट फ्रॉथ, उसमें मिल्क का जो फोम होता है, जो फ्रॉथ होता है वो नहीं मिलाया जाता है, सिर्फ एस्प्रेसो और प्योर हॉट मिल्क। तो बेसिकली ये सब टाइप्स है कॉफी के। नॉर्मली लोग सुबह में हॉट कॉफी लेना पसंद करते हैं। हॉट कॉफी में सबकी अपनी अपनी एक वैरायटी होती है। तो अब उसके बाद कॉफी में जितना आप हॉट साइड में ये मैंने बताया, उतना ही फिर कोल्ड साइड में भी उसका क्लासिफिकेशन वैसा ही है। फ्रैपे में भी कई तरह के फ्रैपे बनते हैं, लोग चॉकलेट के साथ मिला के, आइसक्रीम के साथ मिला करके। तो अब नॉर्मली लोग डे टाइम में डेजर्ट स्टाइल की कॉफी या फिर कोल्ड कॉफी या ये सब तरह का लेना पसंद करते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग में नॉर्मली पीपल प्रेफर हॉट बेवरेज। ये तो बात हुई कॉफी के अलग अलग किस्मों की, जो बेहद दिलचस्प है, लेकिन इससे भी दिलचस्प है इसके खोज की कहानी, जो एक किंवदंती पर आधारित है। कहते हैं 800 ईसा पूर्व में इथोपिया में एक चरवाहे को कॉफी के बारे में सबसे पहले पता चला था। कल्दी नाम के इस चरवाहे ने एक रात पाया कि उसकी बकरियां रात में भी शोर मचा रही हैं। ऐसा कई रोज से हो रहा है और ये सामान्य नहीं है। उसने कुछ दिनों के बाद ये नोटिस किया कि उसकी बकरियां एक पेड़ के फल को खा रही हैं। उसके बाद से ऐसा होना शुरू हुआ है। कल्दी ने भी उस फल को चखा, उसके दिमाग की खिड़की भी खटकी, वो भी रात में सो नहीं पाया। वो उस फल को एक साधु के पास ले गया। साधु ने पूरी कहानी सुन उस फल को शैतानी बताकर आग में फेंक दिया। आग में जाते ही हवा में खुशबू तैरने लगी। साधु को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। आग से फल को निकाल कर उसने उसे प्रिजर्व करने के लिए गर्म पानी में रख दिया। सुबह साधु ने जब कॉफी पी, तब वो कॉफी पीने वाला दुनिया का पहला इंसान बना। 16वीं शताब्दी तक कॉफी पर्शिया, इजिप्ट, सीरिया, टर्की के आसपास में ही चलन में थी। पहला कॉफी हाउस 1475 में इस्तांबुल में खुला था। बाहर की दुनिया के लोग हज पर जाते थे और वहाँ कॉफी पिया करते थे।
इसे दुनिया में तब अरबियों की वाइन भी कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में कॉफी यूरोप पहुंची। इंग्लैंड में पहला कॉफी हाउस ऑक्सफोर्ड में 1651 में खुला। लेकिन कॉफी भारत की धरती पर कैसे पहुंची? कॉफी कल्टीवेशन इंडिया में 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली अरब से ट्रेवल करते हुए आया और फिर कर्नाटका में, खास करके कर्नाटका का जो वेस्टर्न कर्नाटका का चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट वगैरह का रीजन है, वहां पे सबसे पहले कॉफी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। बट आगे चल के पिछले 200-300 सालों में इंडिया ने कॉफी में इतना प्रगति किया है कि इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द टॉप 10 कॉफी प्रोड्यूसर इन द एंटायर वर्ल्ड। और उसमें भी जो कॉफी हम ग्रो करते हैं वो मेनली तीन ही स्टेट में कॉफी ग्रो होती है ज्यादातर, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड जो मेजर साउथ इंडियन स्टेट है वहां। जो देखेंगे आप इसमें कि मेजरली चार तरह के बीन्स होते हैं, जिसमें दो तरह के बीन्स मेजरली फेमस है, एक रोबस्टा और एक अराबिका। तो ये भी कॉफी के कल्टीवेशन टाइप्स के आधार पे अगर माने तो रोबस्टा और अरबिका बीन्स की दोनों का कल्टीवेशन इंडिया में होता है, जिसमें अरबिका बीन्स बेटर माना जाता है। उसका डार्क रोस्ट प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग फ्लेवर्ड होता है। तो ये है, तो अब इंडिया में अब तो कॉफी एक ग्लोबल बेवरेज बन चुका है। तो आपने कभी सोचा था कि आपके कप तक पहुंचने वाली कॉफी का सफर कितना खतरनाक रहा होगा? भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है और अपनी उपजाई हुई कॉफी का 70% एक्सपोर्ट करता है। और इस जानकारी के साथ आज के एपिसोड को समेटते हैं। अगर आप हमें एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग जरूर दें। अपने सुझाव आप हमें लिख भी सकते हैं, पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया है कुंदन ने और साउंड मिक्स किया है सचिन द्विवेदी ने। आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास, किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।